हेलो क्लास सिक्स, हम लोगों ने फिजिक्स में चैप्टर लाइट पढ़ा था। चैप्टर लाइट में हम लोग आज एक्लिप्स वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स जब किसी सेलेस्टियल बॉडी से, जैसे कि सन, अर्थ, मून, किसी प्लैनेट या स्टार्स के वजह से जब कोई शैडो क्रिएट होता है, दैट शैडो इज नोन एज एक्लिप्स, या हिंदी में हम कहें तो उसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्लिप्सेस व्हेन अ शैडो ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी फॉल्स ऑन अनदर, जब किसी एक सेलेस्टियल बॉडी का शैडो किसी दूसरे बॉडी पर पड़ता है, इट कॉजेज एन एक्लिप्स, इसी से एक्लिप्स होता है। तो यहाँ पर फिर मैंने बताया टू मेन टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस, दो एक्लिप्स होते हैं, दो तरह के मेनली, एक ल्यूनर एक्लिप्स होता है और एक सोलर एक्लिप्स होता है। इसे हिंदी में अगर कहें तो चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है। ल्यूनर एक्लिप्स में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड डायग्राम बना दिया है, मून हमें क्यों दिखलाई पड़ता है? क्योंकि सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें दिखलाई पड़ता है। मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो जब ऐसा हो जाता है कि सन के चारों तरफ अर्थ मूव करते करते और मून अर्थ के चारों तरफ मूव करते करते एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, मतलब मून और सन के बीच में क्या आ गया? अर्थ आ गया। तो मून तो हमें दिखलाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ क्या करेगा? सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। तो इस समय क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स हो जाता है, हमें मून दिखलाई नहीं पड़ता है, अर्थ का शेडो मून पे पड़ जाता है। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? फुल मून को होता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूनर एक्लिप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टोटल ल्यूनर एक्लिप्स और एक होता है पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स कब होगा? जब एकदम स्ट्रेट लाइन में ये तीनों रहेंगे, मतलब मून जो है अर्थ के शैडो से पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन अम्ब्रा ऑफ द अर्थ, अम्ब्रा कैसा एरिया होता है, कैसा रीजन होता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अम्ब्रा पेनम्ब्रा, अम्ब्रा कम्प्लीटली डार्क होता है और पेनम्ब्रा थोड़ा लाइट होता है। तो व्हेन अम्ब्रा ऑफ द अर्थ शैडो कम्प्लीटली कवर्स द मून, जब अर्थ का शैडो का जो अम्ब्रा वाला पार्ट है वो पूरी तरह से इसे कवर कर देता है मून को, मतलब कम्प्लीटली डार्क, तब उसे बोलेंगे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। उसके बाद मैंने लिखा पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में, जब मून इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ हो या थोड़ा नीचे हो, स्लाइटली आउट ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो पूरी तरह से। व्हेन मून इज स्लाइटली आउट ऑफ लाइन ओनली अ पार्ट ऑफ इट मे लाई इन द अम्ब्रा एंड अ पार्ट इन द पेनम्ब्रा ऑफ द अर्थ शेडो, तो मून जब थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे इस लाइन के बाहर अगर होगा, तो अम्ब्रा वाला पार्ट जो है, अर्थ का जो शेडो है उसका जो अम्ब्रा वाला पार्ट है, वो मून को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, कुछ मून का कुछ हिस्सा ही कवर होगा और कुछ हिस्सा पेनम्ब्रा यानी कि जो थोड़ा कम डार्क है उस एरिया में जाएगा, तब हम क्या कहते हैं, पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स हुआ। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर हम लोग इसके सोलर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इस चैप्टर के जो बैक क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइजेज है, मैं उन्हें कल पोस्ट कर दूंगा, और आपको उन्हें अपनी फिजिक्स कॉपी में कंप्लीट करना है, और जब फिजिक्स कॉपी सबमिशन का टाइम आएगा तो उसे मंडे सबमिट करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।